गाइस वेल आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फीमेल सुपरवाइजर का कोर्स और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर वन और यूनिट नंबर वन में हम लोग

मैं हंड्रेड परसेंट गारंटी दूंगा कि आप लोगों की सिलेक्शन जो है वो होगी क्योंकि मैं जो कंटेंट जो स्ट्रेटेजी करने वाला हूं ये चीजें आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगी तो यू यू आर लकी इनफ दैट दिस कोर्स अगर किसी ने ज्वाइन नहीं करा तो वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं ज्वाइनिंग के लिए आपको मैसेज करना है सेवन पे और मैसेज में आपको लिखना है सुपरवाइजर कोर्स जैसे आप सुपरवाइजर कोर्स लिखोगे आपको वहां पर लिंक मिल जाएगा क्लियर है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर नंबर वन दैट इज सोसाइटी लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे आप सबको बताने हैं जो कोई नहीं बताता स्पेशली टीचर्स तो कभी नहीं बताते ठीक है देखो मैं आपको एक चीज बता दूं कि किसी भी चीज को क्वालिफाई करने के लिए आपके पास एक वेल प्रूव्ड साइंटिफिक मैप होना इंपॉर्टेंट है लोग इस चीज को नहीं जानते एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए सबको लगता है स्टडी मटेरियल अच्छे से पढ़ लो हमारा हो जाएगा अगर ऐसा होता तो तीन -तीन साल चार -चार साल किसी को ना लगते एग्जाम करने के लिए मैं पहले बता रहा ठीक है इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि मैं एग्जाम के लिए जो पढ़ रही हूँ मुझे कितना पढ़ना है कितना छोड़ना है और एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए मुझे किन किन चीजों को फॉलो करना है ठीक है तो वो सारी मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ठीक है तो सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज कि आपको कंसेप्ट क्लियरेंस पे फोकस करना है क्या करना है कंसेप्ट क्लियरेंस पे फोकस करना है और मैं इसी पे आपको मदद करूंगा ठीक है देखो मैं जो आपको टॉप मैं जो आपको सिलेबस पढ़ा रहा हूं ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अलग से आप लोगों को चीज बताऊंगा नो no, वही चीजें हैं लेकिन मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए अब कंसेप्ट क्लियर होने से फायदे क्या होते हैं एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जाए आप लोग उसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में क्या होता है एग्जाम में जो भी जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है उसकी वर्डिंग चेंज कर दी जाती है ठीक है क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल कोई कोई फंक्शन होता है ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई फंक्शन होता है या कोई हादसा होता है तो न्यूज पेपर तो हादसा ही छापता है ना लेकिन हर एक बंदे की wording, lining अलग अलग होती है है, तो इसी तरह से में क्या होता है? वही होते है, लेकिन पूछने का तरीका अलग होता है इसलिए हम जो पहला मेन फोकस होगा वो हम करेंगे कंसेप्ट क्लियरेंस पे ओके सो क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए आप इजिली उसको कर दो ठीक है दूसरा हम लोग फोकस करेंगे क्वालिटी पे ठीक है क्वालिटी पे फोकस करेंगे नॉट ऑन क्वांटिटी ठीक है क्वांटिटी का मतलब मेरा ये है कि कुछ लोगों के पास इतना मटेरियल हो जाता है पीडीएफ फॉर्म में बुक फॉर्म में भाई क्या फायदा अगर आपकी सिलेक्शन ना हो पाए ठीक है एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको क्वालिटी पे फोकस करना है क्यों क्योंकि आपने अगर पूरे सिलेबस को क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है तो बिलीव मी जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो तो आप सॉल्व करोगे ही करोगे लेकिन अगर सपोज उस चीज के रिगार्डिंग कुछ अलग चीज आती है मतलब सपोज आपने सोसाइटी जो आपका टर्म है या टॉपिक है वो आपने पढ़ा है लेकिन सोसाइटी के रिलेटेड कोई और चीज आती है तो बिलीव में आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू उसको सॉल्व कर सकते हो ठीक है थीके? जो बच्चा क्वालिटी पे फोकस करता है ना वो अक्सर अच्छे मार्क्स ले आता है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट को ना हमेशा डर रहता है मेरे से कुछ छूट ना जाए इस चक्कर में वो क्या करता है वो क्वांटिटी की तरफ भागना शुरू कर देता है वो ऑन करना करना शुरू कर देता है चीज़ों को ये बिल्कुल भी नहीं क्योंकि आप लोग मेरे अंडर पढ़ रहे हो यार मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा कि आपको किस तरह से काम करना है ओके तो हम लोग दूसरे नंबर हम लोग फोकस करेंगे क्वालिटी के ऊपर ठीक है तीसरे नंबर पे हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं चलिए बात करते हैं हम लोग सबसे पहले टॉपिक कवर करेंगे ठीक है सबसे पहले हम टॉपिक कवर करेंगे देन हम करेंगे प्रैक्टिस सो so, इससे फायदा क्या होगा आपका कंसेप्ट क्लियर भी हो जाएगा कंसेप्ट क्लियर भी हो जाएगा और साथ में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपको पता भी लग जाएगा कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लियर है अब नेक्स्ट जो है मैं बात बात बताता हूँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि अक्सर कैंडिडेट कहाँ मार खाता है उसको ये नहीं पता लगता कि मुझे कितना पढ़ना है ठीक है जो लोग इंडिविजुअल स्टार्ट करते, स्टार्ट करते है ना, वो लास्ट में रोते हैं कहीं है से कि वो बेचारे लास्ट में रिवाइज ही नहीं कर पाते अब इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि उनको लगता है कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है ठीक है विदाउट नोइंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग सिलेबस अब मैं आपको क्लियर करता हूँ कि हमें पढ़ना कितना है ओके मैं आपको तो ऑब्वियसली उसी हिसाब से करवाऊंगा जिस तरह से हम लोग बाकी बच्चों को आते हैं लेकिन अब मैं करवा किस तरह से रहा हूँ वो आपको भी पता होना चाहिए सो दैट कि आपके माइंड में कोई डाउट ना आए ठीक है ठीके? देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये आपका यूनिट वन है इस यूनिट वन में इस वो यूनिट वन के जो मार्क्स है ना वो बारह मार्क्स है मतलब ट्वेल्व मार्क्स है ठीक है ट्वेल्व में ट्वेल्व मार्क्स है इसमें और ट्वेल्व मार्क्स की अगर हम बात करें तो इसमें आप लोगों के टॉपिक्स कितने एक दो तीन चार चार टॉपिक्स हैं भाई और उन टॉपिक्स में अगर आप सब टॉपिक की बात करो कितने हैं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह सब टॉपिक्स हैं ठीक है बारह सब टॉपिक्स आप मुझे एक चीज बताओ ये बारह सब टॉपिक्स हैं और बारह नंबर के हैं मतलब हर एक सब टॉपिक में आपको एक नंबर का पूछा जाना है समझ आई एक नंबर का आई थोड़ा दिमाग खुला कि बच्चे कहा गलती करते हैं यही गलती करते हैं क्योंकि एग्जामिनर आपको हर एक सब टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन डालता है तो तो हम लोग कहते हैं यार हमने सोसाइटी तो इतना अच्छे से पढ़ा था यार एक एक ही नंबर नंबर आया मैंने तो नॉर्म्स छोड़ दिए थे एक वहां से आ गया उड़ गया सब खत्म हो गया ना काम इसीलिए ये वो तरीका है जिसके थ्रू हमें पता लगता है कि हमें कितना पढ़ना है और कितना छोड़ना है क्लियर अब फाइनल जो है फाइनल स्टेप वो ये कि आप लोगों ने लेक्चर देखना शुरू करा है आप लोग सभी सभी अब अपनी कॉपी पेन लेके बैठेंगे ठीक है ठीक है कॉपी पेन लेके बैठोगे आप लोग सो so दैट कि मैं जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हेडलाइट करूंगा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को जितने भी मैं आ, मतलब हाईलाइट करूंगा आप सभी को वो अपनी कॉपी पे लिखना है ओके बाकी आप लोगों को ये पी जो है जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा ये मैं कोर्स में अपलोड कर दूंगा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है लेकिन आप पेन कॉपी लेके बैठोगे मैं जो आपको इंपॉर्टेंट चीजें लिखवाऊंगा आप लोग लिखोगे सो so दैट कि आपके शॉर्ट नोट्स बन जाए क्लियर है ये फर्स्ट लेक्चर था और ये आप लोगों को क्लियर करना इंपॉर्टेंट था और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा और लास्ट लास्ट स्टार्ट करने से पहले ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें लास्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे ऐड करनी है वो आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊंगा मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई खिलाड़ी होता है ना किसी एक नए बच्चे को या किसी एक नए खिलाड़ी को बोलो कि ये चार मीटर का ट्रैक है इसे दौड़ के पार करना है तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं यहां से जहां स्टार्टिंग लाइन है यहाँ से फुल स्पीड में दौड़ते हैं यहाँ पे पहुंच के वो धीरे होते हैं और यहाँ जो फिनिशिंग लाइन होती है ना यहाँ पे जाके वो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं खत्म हो चुके होते हैं ओके ये 95 फाइव परसेंट स्टूडेंट्स जिंदगी में इसी तरह से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना हम लोग काम करेंगे यहां से आराम से स्टार्ट करेंगे सो so दैट कि आपकी एफिशियंसी आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ना शुरू हो जाए जब आपकी एफिशियंसी और अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ना शुरू होगा तो उसके बाद आप खुद देखोगे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी और एक वक्त ऐसा आएगा आपके पाँव आपका दिमाग सब कुछ खुद चलेगा और आपको पता भी नहीं लगेगा आपने कब एग्जाम को क्वालिफाई करा ठीक है ये चीजें अपने पांच साल का एक्सपीरियंस आपका पूरा इस, इस कोर्स में शेयर करने वाला हूं ये बातें कुछ लोगों को ऐसे लगेंगी कि हो सकता है टाइम वेस्ट कर रहे हैं लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि बेस्ट कंटेंट से ज्यादा आप लोगों को कंटेंट को यूज कैसे करना ये पता होना चाहिए और ये सारी की सारी चीजें इस लेक्चर में सॉरी इस पूरे कोर्स में मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं और यही रीजन है कि मैं आप लोगों को सिलेक्शन की गारंटी दे रहा हूं लोगों को नहीं पता होती। लोग सिर्फ और सिर्फ आपको कंटेंट रटाना एमसी रटाना शुरू करेंगे और आप भी स्टार्टिंग में करोगे बाद में एक टाइम आएगा यार माइंड ना इसे फटना शुरू हो जाएगा कि हो क्या रहा क्लियर है ये हो क्या रहा चलिए अब फाइनली हम लोगों का खत्म हुए आपको पता लगा कि हम क्या करने वाले हैं किस तरह से करने वाले हैं अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या कंटेंट पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोसाइटी क्या है ओके फिर हम पढ़ेंगे डेफिनेशन देखो भाई सोशल साइंस का कोई भी सब्जेक्ट हो बिना डेफिनेशन के वो अधूरा है सिंपल सी बात है ठीक है अब क्यों अधूरा है

मीनिंग पढ़ेंगे डेफिनेशन देन उसके बाद टाइप्स के बारे में ओके चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज सोसाइटी सोसाइटी क्या है अब सुनो मजे की बात मैं बताता हूँ देखो सोसाइटी जो है ना आप सभी लोग जानते हैं सोसाइटी क्या है लेकिन बहुत सारे लोग ना ऐसे कौन खड़े करके सुन रहे होंगे कि भाई ऐसा क्या बोलने वाला है इस सोसाइटी के बारे में क्या पढ़ाने वाला है आपको एक चीज बता दूं कि सोसाइटी आप सभी लोग जानते हैं यार हम लोग सोसाइटी में ही तो रहते हैं बट आज हम लोग सोसाइटी के बारे में थोड़ा साइंटिफिक वे में पढ़ेंगे अब साइंटिफिक वे में क्यों पढ़ेंगे क्योंकि हम जो भी बातें पढ़ने वाले हैं ना ये सोशल साइंस सोशल साइंटिस्ट जो होते हैं ना उनके द्वारा एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंट किए हुई चीजों को पढ़ने वाले हैं ठीक है क्लियर है तो ज्यादा टेंशन नहीं लेने का बस आराम से देखो ठीक है अब इसमें क्या लिखा है कि जो टर्म है सोसाइटी ठीक है देखो मैं जो चीजें हाईलाइट करूंगा आप लोग अपनी कॉपी कौ पेन पे लिखोगे भाई ठीक है जो टर्म है सोसाइटी लिखा है कि एक फंडामेंटल वन है सोशोलॉजी का देखो फंडामेंटल मतलब मुख्य इंपॉर्टेंट आप लोग ऐसा बोल सकते हो ठीक है अब क्यों है भाई सोशोलॉजी जो है सोशोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ सोसाइटी सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो क्या है दैट इज स्टडी ऑफ सोसाइटी पहली लाइन ओके okay. दूसरी चीज जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोली है और एग्जाम में पूछ जाती है वो कि जो सोशोलॉजी वर्ड है ये किस वर्ड से लिया गया है ठीक है ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है तो अब ये जो वर्ड है लिखा हुआ है इट इट का मतलब ये सोसाइटी वर्ड ओके डिराइव्ड फ्रॉम द लेटन वर्ड जिसका नाम है सोशियस क्या क्या नाम है सोशियस ओके okay. अब इस सोशियस का वर्ड का मीनिंग क्या है मीनिंग अ कंपैनियनशिप कंपैनियन किसको बोलते हैं कंपैनियन बोलते हैं साथी को ओके okay. क्या बोलते किसको बोलते हैं साथी को ओके okay. एंड यहां लिखा है कि कंपैनियनशिप जो है दैट इज बेस्ड ऑन किस पे बेस्ड है भाई सोशियो सोशिएबिलिटी uh, पे

ability to enjoy to enjoy people's company ठीक है people's कंपनी लिखो या फ्रेंड्स कंपनी लिखो कंपनी का मतलब पता है ना कंपनी मतलब ग्रुप ओके क्लियर है अब यहां पे लिखा है कि जो ये जो sociability है ना ये वो एलिमेंट है जो बेसिकली ट्रू असेंस है सोसाइटी का बिल्कुल असेंस किसे बोलते हैं असेंस का मतलब होता है आत्मा ठीक है मतलब वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ठीक है देखो सिंपल सी बात है जैसे हम लोग जितने भी लोग हैं आप लोग हो गए मैं हो गया ठीक है तो इंसान कभी भी अकेला रह सकता है हाँ रह सकता है बहुत सारे ऐसे होते हैं जो लोग दुनियादारी को छोड़ के चले जाते हैं हम लोग उन पाँच परसेंट लोगों की बात नहीं करेंगे वो स्पिरिचुअल टाइप के लोग होते हैं वो उनका कहना है कि दुनिया मोह माया है जो भी है बट अगर हम एज अ एवरेज देखें तो नाइनटी परसेंट लोग जो है वो ग्रुप सोसाइटी में ही रहते हैं क्लियर है और सोसाइटी में हम लोग क्या करते हैं हमें मजा आता है एक दूसरे की एबिलिटी मतलब एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करने में राइट right? तो उसी को सोशो बोलते हैं और सोशल एबिलिटी की वजह से ही हम लोग एक ग्रुप में रहते हैं ठीक है और दूसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अरिस्टोटल ने कई साल पहले बोली थी कि इंसान जो है वो एक सोशल एनिमल है क्या है एक सोशल एनिमल है एक इंसान को एक सोसाइटी चाहिए ताकि वो अपना काम कर सके रह सके और लाइफ को एंजॉय कर सके ठीक है अब आप बोलोगे क्यों देखो भाई अगर मैं आपको बोलूं फॉर एग्जांपल कि मैं आप लोगों को दस करोड़ दूंगा ठीक है और आपको सिर्फ तीन साल के लिए एक ऐसी जगह पर रहना है जहां एक कमरा है आप हो एक खाने पीने का सामान आपको मिल जाएगा इन नेचर होगा लेकिन नो इंटरनेट, नो इंटरनेट पीपल ठीक है तो मैं आपको एक चीज बोलूँ कि सौ में से नब्बे लोग रिजेक्ट कर देंगे ठीक है बिकॉज लाइफ में हम लोगों का स्टार्टिंग से लेकर मतलब छोटे से लेकर बड़े होने तक हमारा प्रोसेस हमें इस तरह से बनाया गया हम लोग इस तरह से है कि हम लोग बिना ग्रुप के बिना अपने आसपास के सोसाइटी के हम रह नहीं सकते अगर हम इमीडियटली कट ऑफ करेंगे ना तो हम सिस्टम उड़ जाएगा ठीक है क्लियर है अब आपको 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 समझ समझ आ गया मैंने क्या बोला तक आया कि मैंने क्या बताया देखो आई एम फोकसिंग ऑन क्लियरिंग योर कंसेप्ट अगर मुझे डेफिनेशन हटानी होती ना तो एक एक लाइन में आपको बताता है ये ऐसे होता है ऐसे होता है इसमें ये आता है इसमें, इसमें ये आता है मैं आप लोगों को एक एक वर्ड का मीनिंग बता रहा हूँ सो देट कि आपको भाई चीज भूले ना समझ आ रही है क्योंकि एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं तो अगर आपके माइंड में कंसेप्ट क्लियर होगा ना तो आप लोगों को क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जाएगा ना सोसाइटी के ऊपर आप आराम से उसे सॉल्व करोगे अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड

अलग ग्रुप के ग्रुप में जहां आपको जहां आपके जैसे लोग हैं उसको आप इंजॉय करते हो ठीक है और नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि ये जो सोशबिलिटी है ये बेसिकली एक ट्रू असेंस है मतलब एक मेन फंडामेंटल है जिसकी वजह से सोसाइटी बनती है बिकॉज अगर मैं आप लोगों की सोसाइटी में बैठ के मुझे मजा ही नहीं आएगा तो मैं क्यों बैठूंगा ठीक है मैं तभी बैठूंगा ना जब आपको मज़, जब मुझे मजा आएगा आपको भी मजा आएगा क्लियर है समझ आई सो दिस इज अ थिंग जो मैंने आपको बताया और उसके बाद मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बोली कि अरिस्टोटल 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 कौन थे भाई अरिस्टोटल इज अ फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस पता है आपको जितने भी कैंडिडेट हैं उनको बता दूं कि अरिस्टोटल इज द फादर ऑफ पोलिटिकल साइंस ओके और इनके अकॉर्डिंगली इन्होंने कहा था कि सोसाइटी सॉरी मैन जो है वो एक सोशल एनिमल है आप लोगों ने भी पढ़ा होगा मैन इज अ सोशल एनिमल जिसे बिल्कुल सोसाइटी चाहिए ताकि वो अच्छे से रह सके काम कर सके और अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके अंडरस्टैंड बहुत बढ़िया चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अब मैं थोड़ा देता हूं आपको सोसाइटी के बारे में यहाँ पे लिखा है अब मैं थोड़ा सा इसको ना अब हम लोग थोड़ा सा सिंपल वे में मतलब बताएंगे ऊपर भी मैंने सिंपल ही बताया लेकिन वो थोड़ा साइंटिफिक था सोशोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से था अब हम नॉर्मली बात करते हैं कि ये सोशोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं सोसाइटी के बारे में ठीक तो है तो सोसाइटी जो टर्म है सोशोलॉजिस्ट का कहना है कि ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिसमें वो लोग एक कॉमन कल्चर शेयर करते हैं ठीक है बढ़िया देखो एक चीज तो मैं आपको बता दूं कि देखो एक तो होता है जो भी ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं ऑब्वियसली उनका एक कॉमन कल्चर होता है जिसे वो फॉलो करते हैं ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें तो एक पर्टिकुलर जगह पर रहते हैं अब जाहिर सी बात है यार मैं अगर जम्मू से हूँ तो कोई बंदा अगर चंडीगढ़ में रह रहा है तो वो वो सोसाइटी थोड़ी यार, है तो वो भी बंदा मैं भी यहाँ पे बंदा हूँ मतलब ये कि एक सोसाइटी उसी को बोलते हैं जो लोग कुछ कॉमन कल्चर को शेयर करते हैं मतलब ओके okay? और कुछ कॉमन जगह को टेरिटरी हो गया जगह ठीक है एक जगह पे यहाँ पे रहते हैं देन उसके बाद उनके बीच में कोई कॉमन इंट्रेक्शन हो ठीक है मतलब एक कॉमन चीज है मतलब एक जैसी है उनके बीच में कॉमन कल्चर नहीं, नहीं, uh, नहीं होगा कोई मतलब uh, कोई कॉमन इंट्रेक्शन नहीं होगी तो हम लोग ग्रुप ऑफ पीपल्स को सोसाइटी नहीं बोला जाता जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग मॉल जाते हो ना ठीक है आप लोग मॉल जाते हो तो मॉल में कौन किसी से बात कर रहा होता है नो no. क्यों क्योंकि भाई हर हर एक इंसान जो है वहां पे अपने अपने काम के लिए आया बट अगर एज अ होल उसको देखा जाए तो वहां पे है तो group of people ही है ना? Group of ही है तो तो ग्रुप ग्रुप ऑफ ऑफ पीपल ही ही ना इंडिविजुअल वहां पे हम उसको नहीं बोल बोल सकते ना कि लेकिन हम लोग फॉर एग्जाम्पल सॉरी मैंने आपको मॉल की एग्जाम्पल थोड़ी बिल्कुल लो लेवल पे दे दी हम लोग थोड़ा ना बड़े की बात करते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोग अभी सर्दियां आ रही है ना तो मैक्सिमम लोग क्या करेंगे जाएंगे मनाली जाएंगे ना जाने सॉरी वहां एंजॉय करने जो भी है, लेकिन उस मनाली जगह पे कुछ लोग चंडीगढ़ से होंगे कुछ जम्मू से होंगे कुछ पंजाब कुछ हरियाणा कुछ केरला से होंगे क्यों, क्यों ना ना कर रहे हैं ना वो इंटरेक्शन को इन्जॉय कर रहे हैं ठीक है थीके? तो इन शॉर्ट यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि सिर्फ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल को हम लोग सोसाइटी नहीं बोलते जब तक जब तक वो एक कॉमन कल्चर टेरिटरी

जो भी एक जो सोसाइटी होती है वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है किसका सोशल रिलेशनशिप का ठीक है सोसाइटी से ही वर्ड सोशल बना है मतलब सामाजिक ठीक है सोशल रिलेशनशिप होता है मतलब अगर सपोज करो फॉर एग्जांपल एक एक जगह पे एक सोसाइटी रहती है ठीक है जैसे होता है ना ये फलानी सोसाइटी है वो सोसाइटी है तो मतलब ऑब्वियसली उनके अंदर कुछ कॉमन नॉर्म्स होंगे नॉर्म्स क्या होते हैं भाई नॉर्म्स होते हैं रूल्स जो मतलब रिटर्न फॉर्म में नहीं होते बट हम लोगों ने बनाए होते हैं कि भाई जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ सोसाइटी में होता है कि भाई ये नहीं करना है ना मतलब ऐसा है कि अगर आप कर देते हो तो आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलने वाली जैसे लॉज में होता है जो कानून होते हैं वो रिटर्न फॉर्म में होते हैं अगर आप उनको वॉलेट करते हैं तो आपको सजा दी जाती है लेकिन नॉर्म्स जो होते हैं ना ये हमारी ये हम लोग सोसाइटी में खुद बनाते हैं और रिटर्न uh, फॉर्म में नहीं होते बट अगर सपोज इसको आप वॉलेट करते हैं तो

बचपन से फॉर एग्जाम्पल जिन कल्चर्स को जिन नॉर्म्स को जिन रिलेशनशिप को फॉलो करते आए हो तो ऑब्वियसली उसी तरह से आपका बिहेवियर होगा और वही चीजें आप लोग एक्सपीरियंस करोगे अपनी लाइफ क्लियर है यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम देखो तो मैंने एक एक चीज आपको सोसाइटी के बारे में बता दी अब मुझे नहीं लगता कि आपको सोसाइटी के रिलेटेड कोई चीज अगर कोई पूछा जाए तो आपको छूटेगा ठीक है मैंने अपनी तरफ से तसली कर दी बाकी अगर आपको कोई डाउट आता मैं यहीं पर डोंट वरी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं ठीक है चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज हमने व्हाट इज सोसाइटी कवर कर दिया अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की ओके okay? अब मैंने आपको एक चीज़ बो, बोली थी कि बिना डेफिनेशन के सोशल साइंस का कोई भी सब्जेक्ट कोई भी मीनिंग कोई भी डेफिनेशन सॉरी कोई भी मीनिंग हो गया या किसी भी चीज़ की कोई अहमियत नहीं होती ठीक है क्यों नहीं होती बिकॉज हम लोग जो भी चीजें पढ़ रहे हैं सोशल साइंस में ये सारी की सारी किन के द्वारा दी गई है किन के एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हो रही है ये सोशल साइंटिस्ट जो होते हैं ना सोशल साइंटिस्ट इनके द्वारा एक्सपीरियंस करी गई चीजों को ही हम लोग पढ़ते हैं ठीक है क्लियर है अब आप बोलोगे लो सोशल साइंटिस्ट क्या होते हैं भाई आप लोगों आप लोग साइंस पढ़ते हो ना साइंस में हम लोग साइंस में जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उनको क्या बोलते हैं उनको साइंटिस्ट बोलते हैं ना इसी तरह से जो लोग सोसाइटी के ऊपर ह्यूमंस के ऊपर मतलब कोई ऐसी चीज जो रिलेटेड है ह्यूमंस के अगर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं उनको हम सोशल साइंटिस्ट बोलते हैं ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल मेकाइवर एंड पेज ये एक पर्सन है और ये सोशल साइंटिस्ट है इन्होंने सोसाइटी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा और उस बेसिस पे इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है सोसाइटी एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस ठीक है अब इनके अकॉर्डिंगली क्या है देखो बात हमने जो पढ़ी वही होगी वही होगी लेकिन वर्डिंग का चेंज होगा ठीक है सिर्फ वर्डिंग का चेंज होगा देखो आपको एक चीज मैं बता दूं ये जो डेफिनेशन होती है ना इसको एज इट इज ही लिखना होता है ये जो इन्वर्टेड कॉम्स में होती है ना हम इसके वर्ड्स को चेंज नहीं कर सकते अगर आपने ये इन्वर्टेड कॉमज इसलिए होती है क्योंकि ये शो करने के लिए कि इस बंदे ने एग्जैक्टली exactly यही बोला इस बंदे ने एग्जैक्टली exactly यही बात बोली है अब जैसे क्या होता है फॉर आप आप लोग मैं 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 किस मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं कुछ और बोलूंगा उसी चीज़ को अगर आप पास ऑन करते जाओगे ना तो मेरी बोली हुई चीज़ का लास्ट टाइम ना बन गया होगा ठीक है तो वो चीज ना बने कोई लोग मेनुपलेट ना करे इसलिए इन सोशल साइंटिस्ट ने बहुत अपनी जिंदगी लगा दी होती है इन एक्सपेरिमेंट पे इसलिए इनको इन्वर्टेड कॉमर्स में इसलिए रखा जाता है ताकि आप इनके वर्डिंग को चेंज ना कर सको ये एज इट इज वर्डिंग रहती है आपको डायरेक्ट एग्जाम में इसी तरह से पूरा एक डेफिनेशन पूछा गया होगा और नीचे लिखा होगा विच ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट सोशल साइंटिस्ट गिवन दिस थ्योरी ठीक है ओके चलिए अब हम बात करते हैं मैकाइवर पेज ने भाई क्या बोला है सोसाइटी के बारे में अपनी uh, बुक जिस जो ना लिखा सोसाइटी एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस उसमें उन्होंने लिखा है कि सोसाइटी एक सिस्टम है यूजेज का यूजेज मतलब उपयोग करना ठीक है यूज़ करना है ठीक एंड प्रोसीजर प्रोसीजर होता है आ, प्रोसेस ठीक है प्रोसीजर क्या होता है प्रोसेस मतलब प्रतिक्रिया किसका ऑफ अथॉरिटी एंड म्यूचुअल एड ओके मतलब आपसी म्यूचुअल एड मतलब आपसी सहयोग एक दूसरे के साथ आ, ए, मतलब कलेक्टिव हेल्प जैसे आप लोग बोल सकते हैं Okay? तो मतलब इन शॉर्ट सोसाइटी एक ऐसा सिस्टम है मतलब जिसमें हम लोग यूज करते हैं या जो एक प्रोसेस है किसका आ, आप आपस में एक दूसरे की हेल्प करने का ठीक है म्यूचुअल एड का अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं बहुत सारे डिविजन्स होती हैं सोसाइटी में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं बहुत सारे डिविजन्स होती हैं, हैं जिसमें कुछ लोग कंट्रोल कर रहे होते हैं बिहेवियर को लिबर्टीज को ठीक है कंट्रोलिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड लिबर्टी और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा सोसाइटी जो है ना वो चेंजिंग है मतलब वो चेंजिंग नेचर है और वो बहुत ही कम्प्लेक्स सिस्टम है और इसी चीज़ को हम लोग सोसाइटी बोलते हैं और सोसाइटी बेसिक क्या है इट इज़ अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप ठीक है ठीक uh, है भाई, social relationship. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप ये किनके ये बोला मैकाइवर एंड पेज ने भाई कई बार डायरेक्ट एक छोटी लाइन पूछ पूछी दी जाएगी कि सोसाइटीज ऑफ वेब ऑफ रिलेशनशिप इज गिवन बाय ठीक है तो किनके द्वारा दी गई है जहाँ तो आपको बुक का नाम दिया होगा या आपको डायरेक्ट ऑथर का नाम दिया होगा ओके तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं स्टार पॉइंट कर रहा हूँ इसको यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि सोसाइटी जो है दैट इज इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप एंड इट ऑलवेज चेंजिंग मतलब ये कभी भी स्टैटिक नहीं रहती हमेशा चेंज रहती है अब चेंज कैसे रहती है ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है जब इंसान मतलब अः जंगलों में रहता था उस टाइम पे कुछ और था जैसे जैसे डेवलप करता गया आज दुनिया देख लो आप आज तो रोबोट वाला सिस्टम है आज दुनिया एआई यूज कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बेसिस पे आप लोगों का तो सारा सिस्टम ही मतलब ऐसे समझ लो कि कंफर्ट में चला गया ठीक है क्लियर है तो अब आपको जो मैं डेफिनेशंस करवा रहा इस इस ये आपको इसमें इस जो है मैंने किस तरह से पूछा जाएगा डायरेक्ट आपको एक डेफिनेशन पूछी जाएगी और उस डेफिनेशन में आपको ऊपर पूछा जाएगा डायरेक्ट एक बंदे का नाम कि किसने ये डेफिनेशन दिया वो आपको है इसलिए आपको डेफिनेशन पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है मैकाइवर का पेज की पढ़ ली हमने ठीक है मैंने बता दिया कि इनके अकॉर्डिंगली सोसाइटी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम लोग म्यूचुअल एक दूसरे की हेल्प करते हैं वहीं पे दूसरी चीज इन्होंने बताई कि सोसाइटी में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं बहुत सारी डिविजन्स होती है जिसमें एक ह्यूमन के बिहेवियर को कंट्रोल किया जाता है ठीक है ऑब्वियसली कंट्रोल किया जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो शैतान है भाई जिनका काम ही यही है कि दूसरे को नुकसान पहुंचाया जाए तो एक पूरे अकॉर्डिंगली मतलब नॉर्म्स जो हमने बनाए हैं सोसाइटी में बनाते हैं वो इसीलिए कि हम बिहेवियर को कंट्रोल कर सके ठीक है अदरवाइज लोग चोरियाँ कर करके बुरी हालत कर दे लोगों की ओके okay? वहीं दूसरी चीज इन्होंने जो बोली वो ये कि सोसाइटी uh, जो है दैट इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप मतलब ये सोशल रिलेशनशिप का एक वेब है जाल है ठीक है और दूसरी इन्होंने कहा कि ये हमेशा चेंज होती रहती है कभी भी स्टैटिक नहीं रहती ओके नेक्स्ट जो चीज है वो उन्होंने पूछी बोली है कि अकॉर्डिंग टू लेपियर जो टर्म है सोसाइटी दैट रेफ नॉट टू अ ग्रुप ऑफ पीपल वो अम्पलेक्स पैटर्न मतलब इन लेपियर द्वारा इन मतलब अकॉर्डिंग टू लेपियर इन्होंने कहा कि जो वर्ड जो टर्म है सोसाइटी वो सिर्फ और सिर्फ ग्रुप ऑफ पीपल को इंडिकेट नहीं करती ठीक है लेकिन जब तक उसमें एक कंप्लेक्स पैटर्न ना हो किसका नॉर्म्स ऑफ इंट्रेक्शन नॉर्म्स क्या होते हैं जैसे मैंने आपको बोला कि रूल्स होते हैं नॉर्म्स वैल्यूज ये सभी एक ही चीज है ठीक है मतलब एक सोसाइटी

है ना बदतमीजी नहीं किसी के साथ करनी बड़ों के साथ प्यार से बात करनी है बच्चों बड़ों के साथ रिस्पेक्ट के साथ बात करनी है छोटे बच्चों के साथ प्यार से बात करनी है तो ये क्या है ये सोसाइटी के बनाए हुए रूल्स हैं ठीक है ठीके? जो हम लोग फॉलो करते हैं सिंपल सी बात है और इन्हीं को क्या बोलते हैं इन्हीं को बोलते हैं नॉर्म्स ठीक है norms, और हम लोग सोसाइटी में जब हम रहते हैं ग्रुप ऑफ पीपल में रहते हैं तो यही तो सारी चीजें जो हम एक दूसरे के साथ करते हैं ठीक है तो वही इन्होंने बोला है कि सिर्फ ग्रुप ऑफ पीपल को हम लोग नहीं बोलते जब तक वो एक पर्टिकुलर नॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन को फॉलो ना करें ठीक है क्लियर है हो गया यहाँ पे क्लियर चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू गिन्स वर्क ठीक है next, to, uh, work, इनके अकॉर्डिंगली क्या है कि सोसाइटी कलेक्शन है इंडिविजुअल्स का जो कुछ रिलेशन मतलब आपसी रिलेशन के कारण वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं यूनाइटेड हैं ठीक है, है या मोड ऑफ बिहेवियर मतलब या तो उनके अंदर कोई रिलेशन है कोई रिलेशनशिप की वजह से वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या वो कुछ एक कॉमन बिहेवियर की वजह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं ठीक है क्लियर विच मार्क फ्रॉम अदर ऊ नॉट एंटर इन रिलेशन या डिफर फ्रॉम इन बिहेवियर ठीक है समझ आई क्लियर है मैंने क्या बोला अगेन मैं रिपीट करता हूँ इन्होंने बोला कि सोसाइटी जो है वो एक कलेक्शन है इंडिविजुअल्स का जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं किसकी वजह से कुछ सर्टन रिलेशन की वजह से सर्टन होता है डेफिनेट ठीक है निश्चय ठीक है हिंदी में निश्चय बोलते हैं इंग्लिश में अगर हम बोले तो डेफिनेट ठीक है सर्टन रिलेशन की वजह से या कुछ मोड ऑफ बिहेवियर की वजह से वो एक दूसरे से यूनाइटेड है ओके okay? तो दैट्स ऑल ठीक है ये दो तीन हमने डेफिनेशंस कर ली और ये डेफिनेशन भाई र, आप चाहे इसको रट्टा मार लो क्योंकि ये आपको एज इट इज डेफिनेशन क्वेश्चन में दी होगी आपको सिर्फ नीचे उस बंदे का नाम उस आ, मतलब आ, सोशल साइंटिस्ट का नाम ठीक है आपको सिर्फ टिक करना है कि ये बात किसने बोली है और ये एज इट इज ऐसी आएगी ये कभी चेंज नहीं होती नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू पर्सन ठीक है

तो चलो खैर ये उनके लिए जो मानते हैं अब सारे लोग पढ़े लिखे हैं तो सभी लोग मानते भी हैं बट ठीक है तो यहाँ इन्होंने क्या बोला है पर्शियन ने कि सोसाइटी जो है वो एक एज अ टोटल ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप ठीक है एज टोटल कॉम्प्लेक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप जिसमें वो लोग क्या करते हैं ग्रो होते हैं ठीक है और एक्शंस लेते हैं ताकि वो अपना एंड गोल जो है उसको कवर कर सके अब वो एंड गोल कुछ भी हो सकता है रिलेशनशिप भी हो सकता है या इंस्टिंक्ट भी हो सकता है या सिम्बॉलिक भी हो सकता है ठीक है

जिसमें क्या है कि कुछ फॉर्मल रिलेशनशिप होते हैं उनके एसोसिएशन के अंदर जिसकी वजह से वो जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्लियर है क्लियर है ना <laughs> चलिए बढ़िया ठीक है तो अब हम बात करें देखो पर्शन हम ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं ये वही हैं जो मैंने फिर से शायद इसको ऐड कर दिया है और ये प्रोफेसर गिडिन जो है ये भी यही है जो हम कर चुके हैं ठीक है ये ऑलरेडी दो ऊपर मैंने कर दिए हैं अब लास्ट में हम पढ़ेंगे टू आर टी लेपियर ठीक है यहाँ पे इन्होंने ये भी हम लोग कर चुके हैं ठीक है या आई थिंक मैंने फिर से यहाँ पे कॉपी कर दिया होगा ये तीनों चीज़ें लेपियर के अकॉर्डिंगली वही ग्रुप ऑफ पीपल हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं ये देखो ये सेकंड नंबर पे इनिंग का है ओके तो आई थिंक आज थोड़ा सा हमने पाँच दस मिनट जो थे फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास में दिए इसलिए थोड़ा ज़्यादा हो गया आज की क्लास में हम लोग यही इतना ही रखेंगे सोसाइटी और डेफिनेशन पर ही रखेंगे ओके और मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को करवाए हैं ठीक है जो मैंने आप लोगों को करवाए हैं वो आप लोग अपने नोटबुक पे लिखोगे ओके और आपको एज अ शॉर्ट रखोगे बाकी मैं ये नोट्स आपको आ, कोर्स में प्रोवाइड कर दूंगा और आई थिंक आधे घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया आई डोंट वॉन्ट टू बोर यू ठीक है मैं आपको बोर नहीं करना चाहता और आ, बाकी मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि अगर आप लोगों को लेक्चर में मज़ा आया आई वॉन्ट योर फीडबैक फीडबैक आप मुझे कहाँ दोगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेवन डबल ज़ीरो सिक्स डबल थ्री टू सेवन टू फोर पे ठीक है आप इस पर मुझे मैसेज करके बताओगे कि आपको लेक्चर सुनने में मजा आया या नहीं आया ओके और अगर आपको कोई सजेशन देनी होगी तो वो भी आप दे सकते हैं बाकी कल हम पढ़ेंगे इसके करैक्टिस्टिक्स देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ सोसाइटी फिर खत्म करेंगे उसके बाद हम एम स्टार्ट करेंगे ओके ऑल द बेस्ट ठीक है बाय